कहते हैं खुद को खुद की नज़रों से देखोगे तो निखर जाओगे, खुद को खुद की नज़रों से देखोगे तो निखर जाओगे, दूसरों के नज़रों से देखोगे तो बिखर जाओगे। नमस्कार साथियों, मैं सोनू सर आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज का सेशन लेकर आया हूं मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स कंटिन्यूसली मैं चला रहा हूं, तो उसी का मैं आगे का जो लेक्चर है यानी कि क्वेश्चन है, लेक्चर तो मैंने कई सारा मैंने प्रोवाइड मैंने किया है, तो क्वेश्चन जहाँ तक मैंने देखा था है ना, उसके आगे चलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ चलने का प्रयास करेंगे और इसमें आपका साथ होना बेहद आवश्यक है, आपका ही साथ ही हमें आगे ले जा सकता है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया, 14 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया और हम लोग अब देखने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन से। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम जरा समझेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर में क्वेश्चन में है ये कि ए बी सी डी का निकालें, ए बी सी डी का मान निकालना है। यदि आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इतना इक्वल इतना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि निकालना हमको है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्या कि ए टू ए प्लस बी इक्वल में 4, 2a प्लस बी इक्वल में क्या जी तो 4। टू ए प्लस बी इक्वल में 4 आ गया, तो 2a प्लस इक्वल में 4 आ गया, तो यहां पर कर देंगे 2a और प्लस बी और इक्वल में 4। उसके बाद क्या है कि a माइनस 2b और इक्वल में यहाँ पर a माइनस 2b इक्वल में क्या तो -3। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा हम ले रहे हैं इसको और इसको, जरा देखना है कि समीकरण इससे बनेगा, इससे समीकरण बनेगा कि a और b है इसमें, a और b इसमें है, तो a भी तो a भी है, यानी कि आपका हम लोग ले लेते हैं तो समीकरण इसको 1 और इसको समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और 2 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे इस इन दोनों को हल कर लेते हैं। हल करने के बाद क्या आता है जरा देखते हैं, क्या है कि हम लोग सबसे पहले इक्वल करेंगे, इधर वाला इक्वल करिए, बी का वाला इक्वल कर लीजिए, या तो आप ए वाला इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और हालांकि 2 से कर देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें 2 से कर लेते हैं और इसमें 1 से कर लेते हैं। जब 2 से करेंगे यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 और 4 यहाँ पर हो जाएगा क्या जी तो 4a और प्लस 2 और b और बराबर में क्या जी तो 8 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा a माइनस 2b और बराबर में -3। इसको क्या करेंगे हम लोग है ना, प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस जब भी रहता है ना, तो प्लस माइनस जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4a और 1a 5a और बराबर में क्या हो जाएगा 8 और 3। जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस में घट जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5a बराबर 5/5 और यहाँ पर कट जाएगा 1, तो a बराबर 1 आ गया। तो a का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में हम लोग रख लेंगे, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर 1 में हम लोग रख देते हैं, तो यहाँ पर 2 और a का मान 1 है तो 1 और प्लस b और बराबर में 4, तो हम लोग क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा b बराबर 4 माइनस 2 और यहाँ पर b बराबर आपका 2 आ गया। तो इस प्रकार से a का मान और b का मान हम लोग निकाल लिए। उसके बाद जरा देखना है कि c का मान और d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको इतना इक्वल में इतना करेंगे, उसके बाद इतना इक्वल में इतना करेंगे, जिस प्रकार से मैंने a और b का मान निकालने सीखा है तो उसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। जरा कर लेते हैं कि 5c और -d और बराबर में 11, उसके बाद यहाँ पर
फोर सी प्लस थ्री डी यहाँ पर 24, ये हो गया। तो ये हो गया, तो अब हम लोग इसका मान निकालना चाहेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या कि इक्वल करना है, या तो हम लोग कर लेते हैं सी को या तो हम लोग डी को कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि डी को करोगे तो सिर्फ जोड़ेंगे, डी को करोगे तो जोड़ देंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा उसके बाद इसको जोड़ देंगे, इधर जोड़ जोड़ने के बाद आएगा उसका काम करेंगे। चलिए तो यहाँ पर समीकरण एक समीकरण दो करते हैं, आ इसमें क्या जी, तो तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें क्या जी वन से, यहाँ पर तीन से करेंगे तो पाँच दिया के 15, यहाँ पर सी और माइनस और यहाँ पर तीन और डी बराबर में 33। उसके बाद वन से 4 और सी और प्लस 3 और डी अब बराबर में क्या जी, तो 24। चलिए 24 यहाँ पर 24, उसके बाद क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा, 15 4 कितना जी 19 सी, और यहाँ पर 33 और 24, 33 और 24 क्या होगा, तो 33 और 24 यहाँ पर 7 और 5 और सी बराबर निकालने की कोशिश करेंगे तो 57/19, तो 19 दिया के 57 मतलब 3, सी बराबर कितना आ जाएगा 3, सी बराबर क्या आ जाएगा 3, सी का मान हम लोग सी का मान रख लेते हैं, सी का मान इसमें रख लेते हैं, किसमें रख लेते हैं, समीकरण एक में रख लेते हैं सी का मान, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 और माइनस डी और बराबर में 11, और यहाँ पर 5 दिया के 15 माइनस डी बराबर में 11, इसको उधर कर देते हैं तो माइनस डी बराबर 11 माइनस 15, यहाँ पर माइनस डी बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पर डी बराबर 4, इसका मतलब है कि हम लोग ए का मान क्या लाए हैं, ए का मान क्या लाए हैं तो 1, और बी का मान क्या लाए हैं तो 2, और सी का मान क्या लाए हैं, सी का मान 3, उसके बाद डी का मान क्या लाए हैं हम लोग, तो डी का मान हम लोग 4 लाए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब सीखना है हम लोगों को क्या, तो आबिहु का योग अंतर तथा अदिश गुणन पर आधारित प्रश्न। हाँ, आबिहु का जोड़, आबिहु का घटाव और उसके बाद आबिहु का गुणन सीखेंगे हम लोग। तो आबिहु का जोड़ का मैंने कॉन्सेप्ट तो दे दी, और कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया तब उसका हम लोग जोड़ेंगे। अब जोड़ा किस में जा सकता है, दो आबिहु को कब जोड़ा जा सकता है, जब उसका कोटि क्या हो, समान हो, जब उसका कोटि क्या हो, समान हो। जोड़ा किस में जाता है, संगत अवयव में जोड़ा जाता है, ध्यान रखना संगत अवयव में जोड़ा जाता है, किस में बाबू, संगत अवयव में जोड़ा जाता है, संगत अवयव में। जरा देखते हैं हम लोग इसको मिटा के, चलिए हाँ, तो हम लोग 16 नंबर वाला देखेंगे। तो 16 नंबर में जरा देखो, यहाँ पर ए बराबर इतना है, अब बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, निकालना क्या कह रहा है इसको देखना है। तो निकालना हमको क्या है जी, ए और प्लस बी, ध्यान से समझना, यहाँ पर ए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ए बराबर पहले लिख लो, तो ए बराबर आपका क्या है, 2 है, 4 है, उसके बाद 3 है और 2, ये आपका ए बराबर है, और बी बराबर क्या है, तो बी बराबर फिर लिख लो 1, 3 और -2, उसके बाद 5, और सी बराबर भी लिख लो, सी बराबर लिख लो, तो सी बराबर क्या है, -2, 5 और यहाँ पर 3 और 4। चलिए इस सी बराबर है, चलिए यहाँ पर ए और प्लस बी का मान, ए और प्लस बी का मान, तो ए और प्लस, तो ए प्लस बी का मान क्या करना है, संगत अवयव में जोड़ना है। देखो संगत अवयव 2, तो यहाँ पर 1, 2 तो यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 3 और -2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 और यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से ए और बी का मान निकल गया, ए और बी का मान निकल गया। अब ए माइनस बी का मान, ए माइनस बी का मान निकालना है बापू, तो ए में घटा देना आप जी, तो यहाँ पर 2 - 1 गया तो 1, 4 - 3 गया तो 1, 3 - 2 गया तो 5, माइनस है तो घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2 - 5 गया तो -3,
चलिए ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीन नंबर का, 3a और माइनस सी, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। तो यहाँ पर जरा देखना, ध्यान से समझना कि 3 है, a में मल्टीप्लाई करेंगे, a में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, a का मान लिख दो, क्या है 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, 2 है यहाँ पर, उसके बाद माइनस सी का मान लिख दो, यहाँ पर सी का माइनस 2, 5 और 3 और 4, ये सी का मान लिख दिए हम लोग। चलिए अब सी का मान लिखने के बाद क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सब में, है ना, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब कि सब में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आबिहु जब रहता है, आबिहु में जब किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वह सभी अव्यय में होता है गुना। याद रखना, ध्यान रखना कि जब भी कोई भी संख्या आबिहु में गुना करते हैं, आबिहु में गुना करते हैं तो सभी अव्यय में होता है, सभी अव्यय में होता है। लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग आबिहु पर रहें तो आबिहु के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो यहाँ पर 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6, उसके बाद क्या, कितना जी, 12, 4 तिहाई के 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 और 3 दूनी के 6, तो 6। चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पर माइनस 2 तो माइनस 2, 5 तो 5 और 3 और यहाँ पर 4। चलिए अब हम लोग घटा देते हैं, संगत अव्यय में घटाना है तो 6 में घटा देते हैं, 2 कितना बचेगा, 8 हो जाएगा ना, माइनस से तो 8 हो जाएगा। चलिए 12 मिस 5 गया तो 7, 12 मिस 5 गया तो 7, 9 मिस 3 गया तो 6 और 6 मिस 4 गया तो 2। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ये होगा। चलिए मतलब कि 3 नंबर वाला भी हम लोग बना लिए, 3 नंबर का भी हम लोग बना लिए। चलिए हम लोग देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन, हाँ 17 नंबर का क्वेश्चन जरा देखते हैं। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान निकाले। यहाँ पर आप ज़्यादा लिखा लिखी नहीं करेंगे, है ना, ज़्यादा लिखना लिखनी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जान गए, अब समझ गए कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो हमें लगता है कि अगर बार बार लिखेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम का, है ना, टाइम बहुत लेगा, इसलिए थोड़ा सा माइंड लगाना है, क्योंकि माइंड है ना, माइंड में सारा चीज़ ऑलरेडी सेव्ड हो गया, क्या करना है नहीं करना है। हाँ आप कॉपी में ज़रूर से ज़रूर इसको एक सिस्टम से बनावे, है ना, कॉपी में एक सिस्टम से ज़रूर बनावे, ताकि आपको बाद में कहीं काम दे, बाद में आपको रिवाइज करने में, प्रैक्टिस करने में आपको बारीकी से कीजिएगा तो काम देगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं, चलिए 17 नंबर का, 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर में a और यहाँ पर प्लस बी, तो यहाँ पर 1 और 3 कितना जी, a प्लस बी लिख देते हैं, a और प्लस बी, तो a प्लस बी, 1 और कितना जी 3, 1 और 3, तो 1 और 3 4, उसके बाद 4 और माइनस 2 जुटेगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 और माइनस 6 जुटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7, उसके बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 0 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं a माइनस b का जरा देख लो, a माइनस b भी निकालने बोल रहा है ना, a माइनस b का बोल रहा है तो a माइनस b निकाल लेंगे भी, तो 1 में 3 घटा दो तो माइनस 2, उसके बाद 4 में माइनस 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6, उसके बाद यहाँ पर माइनस 1 में ये घटा देंगे तो 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 में 2 चला जाएगा तो यहाँ पर 0, 6 में 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 में 0 जाएगा 6, 5 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7, यहाँ पर हो जाएगा 12, 7 + 12, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बात को भी समझ गए हैं, हाँ इस बात को आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए हैं। चलिए चलिए हाँ इसको हम लोग जान लेते हैं, 17 के 2 नंबर,
17 का दो नंबर में क्या है, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है। मैं बता रहा हूँ कि आपको नहीं अगर ठीक से दिख रहा है तो आप किताब को लेकर बैठें, कहीं पर अगर जाते हैं ऑफलाइन क्लास में तो ऑफलाइन क्लास में किताब लेकर जाते हैं ना जी, तो किताब लेकर जाते हैं तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आप किताब सामने रख लीजिए। जब ऑफलाइन भी अगर पढ़ते हैं तो आपको किताब देखना, क्वेश्चन देखना जरूरी होता है, सोल्व देखना से क्वेश्चन देखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर माइंड में शिफ्ट हो जाता है पता चल जाता है कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन अगर पता चल जाता है कि कहना क्या चाहता है तब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, तब हम लोग बनाते हैं, तब हम लोग को क्वेश्चन समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बना दिए, नहीं, क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बराबर बी बराबर है, तो यहाँ पर निकालना क्या है, 2a - b, टू को हम लोग गुना करें तो इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 4 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, तो माइनस बी का मान, बी का मान लिख दो, यहाँ पर 3 - 1 और 3 और -1 और 0 और 2, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जरा घटा लेना है, घटा लो, 2 - 3 गया तो कितना जी, 2 - 3 गया तो -1, 4 - -1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 - 3 जाएगा तो 3 हो गया, 4 - -1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 6 - 0 जाएगा तो 6, 2 - 2 जाएगा तो 0। चलिए तो इस प्रकार से आंसर आपका ये हो गया। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सही और सटीक जवाब आप चुने हैं और बनाना सीखे हैं। चलिए।